हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके एक्स्ट्रा टीथ होते हैं, यानी कि चोर दांत भी बोलते हैं कुछ लोग। तो आज का मेरा ये वीडियो उसी टॉपिक पे है कि अगर किसी के चोर दांत है, एक्स्ट्रा टीथ है, तो उसका क्या इलाज है, क्या उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेंटल रिलेटेड जितने भी आपके मन में क्वेश्चन है, कि जितने भी सवाल, उन सब सवालों के जवाब वीडियो के रूप में मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। अगर किसी के एक्स्ट्रा टीथ होता है, पहले तो ये कि एक्स्ट्रा टीथ होता क्यों है और क्या होता है, कहाँ से आता है। तो ये आपका जो डेसिडियस टीथ होते हैं, जिसको हम दूध के दांत भी कहते हैं, जिनको प्राइमरी टीथ, दूध के दांत बोला जाता है। ये जो दूध का दांत होता है वो इरप्ट तो हो जाता है, बट वो उसकी जगह दूसरा दांत परमानेंट आ जाता है, लेकिन वो निकलता नहीं है, यानी कि उसकी शेडिंग नहीं होती। इसकी वजह से वो एक्स्ट्रा अपनी एक जगह बना के रख लेता है और वहीं रहता है, न वो हिलता है और न ही वो एक्सट्रैक्ट होता है, निकलता है। तो इसकी वजह से और जितने भी जो दांत होता है जो परमानेंट आता है, उसको जगह नहीं मिल पाती, तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और दिखने में आपके जो दांत है वो टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं, ऊपर नीचे होते, बहुत सारे लोगों के ऊपर नीचे हो जाते हैं। कभी जो ये जो चोर दांत है या जो एक्स्ट्रा टीथ है, वो कभी ऊपर की साइड आता है, जैसे आप फोटो में देख सकते हो, कभी नीचे की साइड आता है। तो ये कुछ लोगों के नीचे की साइड शिफ्ट हो जाता है, कुछ के ऊपर की साइड शिफ्ट होता है, तो उसकी जो अलाइनमेंट होता है दांतों का, वो एकदम अलग हो जाता है, वो टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं और स्माइल उनकी है वो अच्छी नहीं होती। तो सबको ये रहता है कि इसका क्या करें, क्या ट्रीटमेंट किया, ये क्यों आ गया हमारे एक्स्ट्रा टीथ। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि अगर आपके एक्स्ट्रा टीथ है तो उसको आपको रिमूव करवाना चाहिए, निकलवाना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप नहीं निकल रहा है, उसकी शेडिंग नहीं हो पा रही, वो नहीं निकला क्योंकि उसको अंदर से प्रेशर नहीं मिला निकलने के लिए। तो इसके लिए आपको अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाना है और इसको निकलवा देना है। उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी आपको कि भाई अगर मेरा दांत निकलेगा तो कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, अगर मैं एक्सट्रैक्शन करवाऊंगा तो आंखों में प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ लोग सोचते हैं कि अदर डिजीज हो जाएगी, कोई पास वाले दांत हिलने ना लगे, ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। सेफली आपका ये दांत है वो निकल जाएगा, इसमें कोई आपको पेन नहीं होएगा, क्योंकि आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा और आपका ये दांत निकल जाएगा, जिससे अगर आपका दांत जो परमानेंट टीथ है वो नीचे होएगा या फिर ऊपर होगा, तो वो उसको जैसे ही जगह मिलेगी तो कुछ दिनों में, मतलब 6 मंथ से 1 ईयर की ड्यूरेशन के अंदर अंदर वो अपनी जगह सेट हो जाएगा। और या फिर आप चाहो तो आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हो, ब्रेसेस लगवा के या वायरिंग के द्वारा जो आपका परमानेंट टीथ है उसको उस जगह पे लाके आपकी अलाइनमेंट होती है दांतों की, वो प्रॉपर करवा सकते हो। तो यही है, अगर किसी के एक्स्ट्रा टीथ है तो उसका इलाज यही है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको दांतों से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, एक्स्ट्रा टीथ से रिलेटेड या फिर आपकी ब्रेसेस से रिलेटेड, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।